नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लायंस इंग्लिश स्कूल की छात्रा सिमरन सिंह बनी इंडिया टॉप मॉडल 2021 की विजेता, पहले भी गुजरात लेवल की विजेता बन चुकी हैं। गौरतलब है कि किशोर सिंह और संध्या सिंह की 17 वर्षीय पुत्री सिमरन सिंह ने बढ़ाया सिलवासा का नाम। किशोर सिंह सिलवासा में पिछले 1998 से हैं और सिमरन का जन्म सिलवासा में ही हुआ है। सिमरन ने पहले भी साउथ गुजरात टॉप मॉडल 2021 में हिस्सा लिया और विजेता हुई हैं, जिसके बाद फिर एक बार इंडिया टॉप मॉडल 2021 में हिस्सा लेकर विजेता हुई। ये मॉडलिंग शो मध्य प्रदेश के शेवपुर जिले के विजय विलास रिसोर्ट में 4 अप्रैल को हुआ और सिमरन के विजेता होने की घोषणा वहीं हुई। पूरा परिवार खुश है और हो भी क्यों ना, सिलवासा की बेटी आप कह सकते हैं सिमरन को। देखिए क्या कहा हमारे चैनल से बात करते हुए सिमरन और उनके माता पिता ने। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आसपास की खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी भी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, तमाम जगहों पर भारत में टैलेंट की अगर बात करेंगे तो टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। भारतवर्ष शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसी के तहत अगर हम बात करेंगे सिलवासा की, तो सिलवासा वो जगह है जो मुंबई से सटा हुआ प्रदेश है, जो लगातार प्रदेश में कहीं ना कहीं मॉडलिंग को भी बढ़ावा दे रहा है और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी के तहत आज यहां पर हम जब पहुंचे तो हमें पता चला कि किस तरह से इंडिया टॉप मॉडल 2021 का जो एक शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसका आगाज सिलवासा की धरती से एक लड़की ने किया और उसे अंजाम तक भी लेकर यह लड़की गई है। आइए मिलाते हैं उनके परिवार से, उसके बाद उस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। देखते रहिए सिलवासा न्यूज़ लाइन। किस तरह से आज आपकी लड़की ने, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस तरह से तमाम जगहों पर लोग आज इस जनरेशन के साथ चल रहे हैं, आपकी लड़की ने आज कहीं ना कहीं सिलवासा का नाम रोशन किया, आपके प्रदेश बिहार का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर हैं और क्या था प्रोग्राम? मैं तो सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ 98 से कंटिन्यूस जॉब कर रहा हूँ और मेरी लड़की बचपन से इसको रुचि था कि कुछ ना कुछ बनूं जी, लेकिन हम लोगों ने इसके प्रतिभा को सराहा, आगे बढ़ाने बढ़ावा दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया जी। खास करके इसकी मम्मी का नजर इस बच्ची पे था जी। हम पिता हैं, जॉब करते हैं, जॉब से आए, अपना घर द्वार देखे, दुनियादारी देख करके काम खत्म, लेकिन माँ एक बच्ची को, बच्चे और बच्ची को सबसे ज्यादा माँ ही जान सकती है। अपने बच्चे को उसके प्रतिभा के हिसाब से उसको ढाले और उसको जो बढ़ावा दे, जो करने चाहती है करने दे, बसरते अपने बच्चे पर निगाह बरोबर रखें जी। आज के माहौल के हिसाब से जिस तरह से बता रहे हैं कि हमेशा घर की जिम्मेदारी महिलाएं रखती हैं अपने ऊपर और तमाम परिवार का जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके कंधे पर, उनके दावेदारी पर होती है, तो क्या उन तमाम माताओं से और उन तमाम परिवार के सदस्यों से कहना चाहेंगी आप आज इस खुशी के बाद पर? मैं तो पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी बेटी के ऊपर, जो मेरी बेटी ने इतना बड़ा खिताब लेकर आई है और पूरे घर परिवार और अपने जिला जवार का नाम रोशन किया है। सिलवासा में रहती हूँ अभी फिलहाल। कब से सिलवासा में हैं आप लोग? हम तो ये तो बहुत, इसका जन्म भी यहीं हुआ है। हमारे हस्बैंड रहते थे मेरी शादी से पहले से ये रह रहे हैं, फिर मेरी शादी हुई उसके बाद हम पूरी फैमिली यहाँ रहने लगे जी। 2000 से मैं कंटिन्यू रह रही हूँ जी। उसके बाद और सब क्या, मैं पूरी
पूरी मीडिया पूरी एथी को आपने तरफ से ये संदेश देना चाहती हूँ पूरे गांव जवार को कि अपनी लड़की को प्रतिभा को पहचाने जी। और लड़की जिस क्षेत्र में वो रुचि रखती हो उस क्षेत्र में उसे बढ़ने का मौका दे। कभी भी अपनी लड़कियों को रोक ना लगाएं। हर क्षेत्र में अच्छा और बुरा दोनों क्षेत्र दोनों फील्ड होते हैं, बशर्ते नजरिए का बात है। अपना नजरिया पॉजिटिव रखें और हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उनके परिवार के माता पिता जिन्होंने बताया कि सिमरन महज 17 साल की उम्र में सिलवासा के लाइन स्कूल में पढ़ती हैं और जो महज 17 साल की उम्र में भारत के मध्य प्रदेश में जाकर अपना सिलवासा का डंका बजा रहा है। आप सिलवासा की बेटी कह सकते हैं ना, सिलवासा की बेटी जिस तरह से फर्स्ट प्राइज लेकर विनर बनी है। आइए जानते हैं सिमरन से कि सिमरन ने किस तरह का अनुभव इस दौरान यहाँ पर देखा है। सिमरन बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है आपको हमारे चैनल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगी, जो एक अलग ही अनुभव आपने देखा होगा, पूरा मध्य प्रदेश आप गई और सिलवासा के इकलौती आप थी दादरा नगर हवेली से, और कैसा अनुभव आपको वहां पर देखने को मिला? मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं पूरे DNH से अकेले गई थी और वहाँ पे जाके मैंने अपने सिलवासा को रिप्रेजेंट किया, गुजरात को रिप्रेजेंट किया। मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत हार्ड वर्किंग भी करनी पड़ी, बहुत सारे राउंड्स में भी मेरे को बहुत क्लियर करना पड़ा, उसके बाद जाके मैं विनर बनी हूँ जी। कितने राउंड लगभग आपने वहाँ पर जो परफॉर्मेंस किया, कितना राउंड हुआ? टोटल पहले तो एथनिक वेयर था, उसके बाद नेशनल कॉस्ट्यूम, इवनिंग गाउन, टैलेंट राउंड था, क्वेश्चन आंसर्स राउंड था, फिटनेस राउंड था, फोटोशूट्स थे। ओके करीब ये सब चीजें तो आपने बता दिया। जो सिलवासा की जनता इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लड़कियां आज के डेट में, लड़के हों या लड़कियां, तमाम लोगों में ग्लैमर का कहीं ना कहीं एक बुखार आप कह सकती हैं सभी के ऊपर लगा हुआ है और सभी चाहते हैं कि बड़े लेवल पर जाएं और एक नाम, प्रदेश का नाम हो, परिवार का नाम हो, जिला का नाम हो और स्टेट का नाम हो और साथ में देश का नाम हो। आने वाले दिनों में आप क्या करना चाह रही हैं? आने वाले दिनों में मैं फेमिना मिस इंडिया के लिए जाना चाहती हूँ, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और मैं सभी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि वो इस क्षेत्र को गलत ना समझे। हर क्षेत्र में सही गलत दोनों होता है, हमें हर क्षेत्र में सही जगह जाना चाहिए और हमें अपना करियर अच्छा बनाना चाहिए जी। एक ये चाहूंगा कि जो लोग इन चीजों में अपना रुचि लेना चाहते हैं, उन्हें जैसे आपको परिवार से भी सपोर्ट मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को इस वक्त जो लड़कियां आपको देख रहे हैं, जो परिवार आपको देख रहा है उन्हें? बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इस चीज में, लेकिन ये फील्ड खराब नहीं है। मतलब जिस सारे बच्चों को, बहुत लोगों को मन होता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि उनके बच्चों को जिसमें भी रुचि हो वो उनमें भेजे ताकि वो भी कामयाब रहे और उनके पेरेंट्स भी उनपे प्राउड फील हो। ये थी सिमरन जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से महज 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो अपने मॉडलिंग के दम पर, अपने दम पर, अपने परिवार के दम पर मॉडलिंग में जाकर एक अपना छाप बनाया, कहीं ना कहीं सिलवासा के लिए भी ये बड़ी एक गर्व की बात है। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।